श्री कृष्ण, मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह भोलेनाथ की हृदय से सेवा किया करता था। नित्य मंदिर जाता, उन्हें जल चढ़ाता, उनका सेवा करता, उनका पूजा करता तथा उसकी पत्नी भी भोलेनाथ की खूब सेवा किया करती थी। उनको कोई प्रकार का कष्ट नहीं था। पूरे धन धान से वो साहूकार संपन्न थे। नहीं था तो क्या नहीं था, उनके पास पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, अथवा यूं कहें कि उनको कोई संतान नहीं थी। एक दिन पार्वती माता उस साहूकार की सेवा और प्रार्थना को सुन रही थी और भोलेनाथ से बोली कि हे नाथ, आप साहूकार को एक रत्न पुत्र धन का आशीर्वाद दे दीजिए। कई बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है देवी, मैं उसे पुत्र की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दे देता हूँ, परंतु उसकी आयु 12 वर्ष तक की ही होगी, क्योंकि सभी को अपना कर्म भोगना पड़ता है। यह बात साहूकार छुपके से शिव पार्वती की बातें सुन लिया तो साहूकार को न तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख, क्योंकि पुत्र आने की खुशी भी थी और जल्दी चले जाने का गम भी था। कुछ समय के बाद उस साहूकार को पुत्र रत्न धन की प्राप्ति हुई। जब वह पुत्र 11 वर्ष का हो गया तब उसे चिंता होने लगी कि 12 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे काशी पढ़ने हेतु भेज दिया और मार्ग में यज्ञ, ब्राह्मणों को दीक्षा, सेवा करने के लिए उसके मामा को बोल दिया और तब बहुत सारा धन दे दिया जिसे कि दान पुण्य करते हुए जाएं। जब मामा भांजे दोनों काशी के निकट पहुँचे तब वहाँ पे एक नगर की राजा की लड़की का, राजकुमारी का विवाह था, परंतु वहाँ के जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो काना था। तो राजकुमार के पिता ने सोचा कि मैं अपने लड़के की जगह इस लड़के को, साहूकार के लड़के को दूल्हा बनाकर बैठा दूंगा, जब शादी हो जाएगी तो राजकुमारी को अपने शहर ले जाऊंगा, अपने गांव, अपने महल ले जाऊंगा। ऐसे तैसे बहाना बनाकर वह राजकुमार को बदल कर इस साहूकार के लड़के के साथ राजकुमारी का विवाह करवा दिया, परंतु साहूकार का लड़का ईमानदार था। जाते जाते उस राजकुमारी के दुपट्टे पे लिख दिया कि मैं तुम्हारा पति हूँ, जिसके साथ तुम जा रही हो वो तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारा वो काना राजकुमार है, मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। यूँ कहकर वो काशी के लिए निकल गया। ये बात जब राजकुमारी देखी अपने चुन्नी पर लिखा हुआ तो अपने माता पिता को बताई। तब माता पिता ने उसके राजकुमार के साथ उसे नहीं विदा किया। तब मामा भांजे आगे बढ़कर काशी पहुँचे और वहाँ पर उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया और जहाँ पे ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, आशीर्वाद दिए। उस भांजे ने कहा कि मामा मेरा आज तबीयत खराब लग रहा है, तो मामा ने कहा कि ठीक है भांजे, तुम थोड़ा देर आराम कर लो और शंकर भगवान का ध्यान करना, क्योंकि मामा को पता था कि वो घड़ी अब आ गई है। तभी वो मामा बहुत ज़्यादा विलाप कर रहा था, तभी पार्वती और शिव ऊपर से देख रहे थे, लेकिन उसकी रोने की आवाज़ इतनी व्याकुल कर गई कि माता पार्वती बोली कि हे नाथ, आप इस व्यक्ति का रुदन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप इसका रुदन शांत करने का उपाय करिए। जब भोलेनाथ धरती पर गए और देखे तो बताएं पार्वती माता को कि यह वही साहूकार का लड़का है जिसे 12 वर्ष की आयु का मैंने वरदान दिया है, आज इसकी आयु समाप्त हो गई है। तो माता पार्वती के बार बार निवेदन करने पर कि आप इसको आयु दे दीजिए, क्योंकि मुझसे इसका विलाप सहा नहीं जा रहा है।
माता पार्वती के हृदय में मातृत्व भावना की लहर ज़्यादा बह रही थी, जिसके कारण भोलेनाथ को अपना वचन बदलना पड़ा और उसको आयु का आशीर्वाद दिए। जब वहाँ से मामा भांजे लौटे अपने नगर को, तो वो शहर मिला जिसमें राजकुमारी का शादी हुआ था। वहाँ का जो राजा थे वो लड़के को पहचान लिए और अपनी पुत्री का विवाह फिर से करवा के उस साहूकार के लड़के के साथ विदा कर दी। इधर साहूकार और उनकी पत्नी दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे और उन्होंने प्रण लिया था कि अगर पुत्र की मृत्यु की समाचार अगर आती है तो वो प्राण त्याग देंगे अथवा जीवित होंगे तो खुशी मनाएंगे। तभी पुत्र की आने की खबर मिली जिससे बहुत ही खुश हुए। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है अथवा पढ़ता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और भोलेनाथ की विशेष कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। सोमवार के व्रत में कथा सुनने पर ही सोमवार का व्रत पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण राधे राधे।